हेलो, मैं हूं तैमूरेली और आप देख रहे हैं आरटी क्रिकेट। तो वर्ल्ड कप 2019 के अभी तक लीग स्टेज के तकरीबन बहुत मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और एक बड़ा हार्ड कॉन्टेस्ट जा रहा है, हार्ड कंपटीशन जा रहा है बैट और बॉल के दरमियान, जहां पर बैट्समैन छक्के चौके मार रहे, रन बना रहे हैं और वहीं पर बॉलर विकेट भी साथ ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बॉलर भी हैं जिन्होंने कोई सिक्स कंसीड नहीं किया है, कोई छक्का भी नहीं खाया अभी तक इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रॉफी बॉलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अभी तक छक्का नहीं खाया, ऐसे कंसीड नहीं किया है बॉलिंग करते हुए इस वर्ल्ड कप 2019 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन पर है मोहम्मद आमिर जी। उन्होंने 276 बॉल्स किए हैं अभी तक जितने मैच खेले उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने एक भी छक्का नहीं खाया है और काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस वर्ल्ड कप के। नंबर सेकंड पर है वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर ओशेन थॉमस, जिन्होंने 208 बॉलिंग कराई है अभी तक और कोई छक्का नहीं खाया है। यह भी काफी अच्छी फॉर्म में है और काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। नंबर थर्ड पर है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जिन्होंने 173 बॉल्स कराई है अभी तक और कोई छक्का नहीं खाया है। नंबर फोर्थ पर है अफगानिस्तान के बॉलर हामिद हसन, जिन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 144 बॉल्स कराई है और कोई छक्का नहीं खाया है। और जो नंबर फाइव पर है वो है इंडिया के फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 136 बॉलिंग कराई है अभी तक और कोई छक्का नहीं खाया है। तो ये हैं वो पांच बॉलर जिन्होंने अभी तक कोई छक्का नहीं खाया, कोई कंसीड नहीं किया है बॉलिंग करते हुए इस वर्ल्ड कप 2019 में। आप देखना ये होगा कि इनमें से कौन सा बॉलर सबसे पहले छक्का खाता है या कंसीड करता है अपने वर्ल्ड कप के मैचेस में। इस वीडियो में इस टॉपिक इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।